हम तो लगाएंगे। अगली बार ले आना, दो चार दिन रुक जाना। उनका क्या नाम है? सलमान। आपका? राशिद। एक जगह बताओ कहाँ पे ज्यादा दर्द होता है? हाथ खोलो, हाथ खोलो। सर में ये दर्द नहीं रहेगा, सर का दर्द कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाकी शरीर में दवाई चल दो। दवाई तो चलानी नहीं भाई, आप देख रहे हो ना। आपकी कितनी उम्र बताना मुझे? 39 साल की। आपको थोड़ा सा भी कहीं भी पूरे शरीर में दर्द है तो फिर उसको कैसे है? उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसको दर्द है? मूल रूप से हमें 70 से 80 साल तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए। एक बार अगर दर्द होता है तो या तो अति कठोर परिश्रम से होता है, या नाड़ी दबने से होता है, या फिर चोट लगने से होता है कि आप ऊपर गिर गए। अच्छा, फिर वो भी कुछ दिन ही होगा, आ गया ना, आप कभी ना कभी ठीक हो जाओगे अपने आप। ठीक है, भगवान ने हमें बनाया इस तरह से, फिर भी अगर हमें दर्द रहता है तो हम ये समझे इसमें कोई कुपत्ते जरूर है। और वो कुपत्ते क्या है कि वो मुस्लिमों के लिए जिन्नात है, हिंदुओं के लिए प्रेत पिशाच है। ठीक है, यक्ष किन्नर विद्याधर है, बेताल है, मारी है, काल है, मर है, आया समझ में। और क्रिश्चियनों के लिए शैतान है, तब वो वही चीज है। आपके लिए वो हमजाद है, आया ना समझ। हमजाद का मतलब ये होता है कि एक बुरा तत्व उस आत्मा का जो बहुत सारी इच्छाएं रखती है और परेशान करती है संसार को, इसका मतलब आपको या तो नज़र लगी है, नज़र दोष है, या आपको कोई श्राप लगा है। या आज भी सवेरे आपने देखा होगा, एक आदमी आया था, उसने कहा कि मुझे पता नहीं था जी, मैंने भूलवश किसी कब्र के पास बाथरूम कर दिया और मैं तब से बीमार हूँ, आज तक बीमार हूँ। मैंने उसको फूंक मारी तो उसने, उसके अंदर जो चीज़ थी, उसने दो बार अल्लाह बोला, जबकि वो आदमी हिंदू था। और तब जो है ना, उसको आराम अब से आगे से पढ़ने चालू होंगे, अभी आराम भी नहीं पड़े होंगे, पहली बार ही तो आया है। इसका मतलब सारी चीजें काम करती हैं। और आदमी को दर्द नहीं होते हैं कदापि। ये दर्द जो है ये हमें केवल कष्ट के है, यही कष्ट है बस, आप इस बात को समझते हो। ठीक है, तो आप, मैंने उनकी अर्जी लगा दी, सर में दर्द कम हो जाएंगे अब, और बाकी शरीर का दर्द रहेगा। आप अगली बार ले आना, चार दिन रुकना, ठीक हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। बस फिर तो अपना एक ही कुल का पाठ कराना, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक कुल का पाठ करो, केवल एक कुल की तस्वीर करो जितनी कर सकते हो, एक चीज़ को सिद्ध कर लो, फिर सब सिद्ध हो जाएंगे, एक साथ है सब सदे। ठीक है ना, वो एक कोई भी नाम हो, चाहे वो अल्लाह अकबर ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो पहले एक सदेगा तभी सब सदेंगे, फिर तो कोई भी नाम जपोगे वो भी सद जाएगा, दुनिया में कोई नाम जपोगे फिर वो भी सद जाएगा। आ गए बस, और बताइए।